हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन पन्ना आर्ट। अगर आप हॉबी के तौर पर ड्राइंग सीखना चाहते हो या ड्राइंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप डेली बेसिस पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो और ड्राइंग को सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, आज मैं कैसा बनाता हूँ। तो ये जो साइड में मेरा वर्क देख रहे हो, आज मैं इस लेवल पर बनाता हूँ। तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया हूँ, कौन सी टेक्निक अपनाई, डेली बेसिस पर क्या क्या प्रैक्टिस करता हूँ, जो जो भी ड्राइंग टूल्स है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक आपको पेपर चाहिए, जिसमें मैं स्केच बुक रखा हूँ। आप कोई सा भी नॉर्मल सा पेपर ले सकते हो, स्केच बुक रहेगा तो वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा, और एक कोई सा भी पेंसिल। तो देखिए मैं इसमें अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, स्केचेस वगैरह इसमें की है। तो ड्राइंग सीखने के लिए पेपर को कुछ इस पोजीशन में रखना चाहिए, इस पोजीशन में भी आप शुरू शुरू में कर सकते हो। जब आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाओ तो आप ये ट्राई करना, आप अभी से भी ये ट्राई कर सकते हो। आपका पहला एक्सरसाइज आता है, इसमें आपको पेंसिल को इस पोजीशन पे पकड़ना है और कुछ सर्कल ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से कुछ सर्कल ड्रॉ करनी है, आप बार बार कर सकते हो सर्कल ड्रॉ, कुछ धीरे से भी कर सकते हो इस प्रकार। अब सेकेंड स्टेप में आपको करना यह है कि इस कर्व बनाना है, आपको सी कर्व बनाना है। आपको इस तरह से आपको सी कर्व बनानी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको बनानी है। अब थर्ड स्टेप में आता है, आपको एस ड्रॉ करना है, एस कुछ इस प्रकार से। नीचे कैमरा मैन नहीं कर पाया, इस प्रकार से एस ड्रॉ करनी है आपको। लगभग ये तीनों एक्सरसाइज को आप 5-5 मिनट डेली बेसिस पर कर सकते हो। 5-5 मिनट काफ़ी है डेली बेसिस पर करने के लिए। अब कोई सा भी एक फ़ोटो लेके इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ करनी है, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पर दो लाइनिंग करनी है। ये फर्स्ट वाला जो है ये आइज के लिए, ये सेकेंड नोज के लिए, और ये बीच में जो दिख रहा है वो इसके सही डायरेक्शन के लिए। यहाँ ऊपर मैं आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी इसमें बस फोटो की पोजीशन को देखना है कि ये सही एंगल पर ड्रॉ हो रही है कि नहीं। हमें ये नहीं देखना है कि एग्जैक्ट हम इसी पिक को बना रहे हैं। आप इसमें देख सकते हो मैं हल्की हल्की सी आइज और आईब्रोज को मैं दे रहा हूँ। बस इसमें एक पता फील आना चाहिए कि मैं इसमें आईब्रोज आ रही है, इसमें आइज। और ये नोज देख सकते हो बीच लाइन से, ये नोज जबकि बीच में है इसलिए बीच लाइन से मैं दोनों साइड बराबर के एंगल यूज कर रहा हूँ। एक साइड मैंने डार्क कर दी है और लिप्स भी उसी प्रकार बीच से मैंने स्टार्ट किया। फिर इसमें दोनों साइड सेम बराबर दूरी लेके मैं इस प्रकार से कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये लाइनिंग काफ़ी हेल्प करती है ड्राइंग सीखने के लिए। इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पर कोई भी फ़ोटो लेनी है, आप अपनी भी फ़ोटो ले सकते हैं। और सर्कल का यहाँ बहुत अधिक यूज होता है, तो यहाँ देख सकते हो इस डायरेक्शन में मेरा जो ये गाल है वो गया हुआ है। शुरू शुरू में तो ये नहीं बन पाएगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सब पॉसिबल है। और यहाँ मैं ईयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, इस प्रकार से कुछ लाइनिंग यहाँ आई हुई है। मैं फोटोग्राफ का अकॉर्डिंग कुछ बहुत मिलाने का कोशिश कर रहा हूँ, भले हमें बस पोजीशन को देखनी है अभी कि किस पोजीशन में ये फोटो है, उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हेयर कुछ इस प्रकार से गई हुई है, इसको मैं अभी सीधा लाइन खींचता हूँ, बस अभी इतना ही करके छोड़ देनी है। अभी मैं नेक्स्ट फोटो और यहाँ पर ही लूँगा। तो यहाँ फोटो का एंगल कुछ अलग है, तो इसके लिए मैंने तिरछी लाइन खींची है। तो ये फोटो नीचे की ओर झुका हुआ है, तो इसका एंगल थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट आएगी और यहाँ पर ये बीच लाइन
थोड़ी दाई साइड आएगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ये चश्मा ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं फ़ोटो के अकॉर्डिंग इस प्रकार से यहाँ पर ही नोज आएगी, थोड़ी सी नोज तिरछी है इस साइड, यहाँ पर ही लिप्स बस हल्की सी, बस फील देने के लिए मैं लिप्स को हल्के में बना रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये फ़ोटो एग्जैक्ट बने, मैं बस ये एंगल देख रहा हूँ कि जिस एंगल में ये फ़ोटो है उस एंगल में हमारा ड्राइंग बने। तो इस प्रकार से आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते कर सकते हो। आप डेली 5 फ़ोटो का ऐसे नॉर्मली आप बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपकी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। और तो इसी तरह से डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इससे आप डेफिनेटली ड्राइंग सीख सकते हो और इम्प्रूव हो सकती है और अपने हॉबी के तौर पर आप इसे कर सकते हो। तो मेरे वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में पर्पल हार्ट टाइप कीजिए, मुझे इसे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।